दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर चैनल एनालिस्ट पोस्टमार्टम, जहां हम करते हैं हर फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बारीकी से पोस्टमार्टम। दोस्तों आज हम बात करेंगे मेटल से जुड़े एक स्टॉक की, और स्टॉक इसलिए भी वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि 12 साल बाद वो एक ब्रेकआउट दिया है उसने और अब एक अच्छा रनअप दिखता है। और मेटल्स में हमने देखा ही है कि मेटल इंडेक्स लाइफ टाइम हाई पे चल रहे हैं, तो उस लिहाज से भी काफी अच्छा ये अपॉर्चुनिटी लगती है। और दोस्तों कल ही हमने इस स्टॉक के बारे में अपने शॉर्ट्स में बात करा था, तो अगर आप देखेंगे तो कल का जो शॉर्ट हमने डाला था उसमें स्टॉक के बारे में बात करी थी, और वहां से आज ही मैं ये 7% बढ़ चुका है। तो ये स्टॉक थी कल जो डाला था 8 अप्रैल को, और उसके बाद आज ही 7% बढ़ चुका है। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, और डिटेल में हम बात करेंगे अब क्यों इसमें एक अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। तो जैसा कि हमने बात करी कि मेटल इंडेक्स ऑलरेडी ही लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, ऑलमोस्ट 8,890 की रेंज में ऑलरेडी जा चुका है, और उसने जो ये फेब 18 से जो एक ट्रेंड लाइन चल रही थी उसको अच्छे से ब्रेकआउट किया, और उसके बाद फिर एक नई रैली की तरफ शुरुआत करी है। तो ये तो हो गया मेटल इंडेक्स में। आइए बात करते हैं स्टॉक की। तो स्टॉक का नाम है हिंद कॉपर। तो देखें हिंदुस्तान कॉपर में पास्ट में क्या हुआ, तो हिंदुस्तान कॉपर ने जनवरी 2010 में एक लाइफ टाइम हाई बनाया था अराउंड 645 रुपीज का, और उसके बाद वो कॉन्स्टेंटली ही डाउन ट्रेंड में रहा। और देखिए लगातार ऑलमोस्ट, अगर आप देखेंगे आपको समझ आ रहा होगा कि पूरा जोन, ये एक जोन था मार्च 14 तक, जिसमें उसने एक लो बनाया अराउंड कहाँ तक 58 रुपीज का, और उसके ही आसपास कॉन्स्टेंटली फिर ये घूमता रहा तब से, जुलाई 13 से लेके दिसंबर 20 तक, तो ऑलमोस्ट 7-8 साल ये रेंज में रहा। और उसके बाद उसने जो फाइनली अक्टूबर 20 में एक ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद एक हाई बनाया जो गया अराउंड 196 रुपीज, और वहीं पे देखिए 1 अप्रैल 14 से एक ट्रेंड लाइन चल रही थी, जिसमें तो थोड़ा सा जूम करते हैं, देखिए यहाँ से ट्रेंड लाइन की शुरुआत हुई थी, और उसके बाद ये चली, और फिर उसने जो लाइफ टाइम हाई बनाया मई 21 में 196 रुपीज का, वहां पे रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद चली। अब देखिए स्टॉक ने 196 रुपीज पे जो एक हाई बनाया था वहां से फिर कंसोलिडेशन हुआ, जो उसको नीचे लेकर आया अराउंड 90 रुपए के आसपास, और फिर वहां से एक रैली शुरू हुई। तो आपको एक कप एंड हैडल पैटर्न यहाँ पे नजर आ रहा होगा। तो अगर यहाँ से 2012 से शुरू करते हैं तो एक ये ऑलमोस्ट 10 साल का, और उसके बाद मई 21 से लेके जनवरी 24 तक ये कप एंड हैंडल पैटर्न बना, और उसको इसका जब ब्रेकआउट हुआ 196 रुपीज पे, तो स्टॉक ने ये देखिए यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ उसके बाद एक अच्छी चाल चली और एक रैली दी 196 रुपीज से लेके अब 350 रुपीज पे आ गया है। तो आज ही आज में अगर देखेंगे तो ये 7-8% बढ़ा, लेकिन ये कप एंड हैंडल पैटर्न से बड़ा एक पैटर्न बन रहा है जो स्टार्ट हुआ है फेब 12 से। अगर आप फेब 12 से देखेंगे तो फेब 12 पे एक हाई बना था 322 रुपए का, तो यहाँ से शुरू हुआ, और इस वीक में तो देखिए एक ओवरलैप होके एक बड़ा कंसोलिडेशन हुआ, कितने साल का, 12 से लेके 24, 12 साल का ये कंसोलिडेशन फेज हुआ, और अब इस वीक में इसने इस कंसोलिडेशन फेज को बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ में और अच्छे कैंडल के साथ में एक ब्रेकआउट दिया है। तो इसका मतलब अब ये फॉल्स ब्रेकआउट नहीं है, एक अच्छी कैंडल्स बनी है, दो लगातार वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं, अब इसने 12 साल का ब्रेकआउट दिया है। अब 12 साल के ब्रेकआउट के बाद ये एक नई रैली की तरफ शुरू हुआ है, जिसमें ऊपर में जो इसका इमीडिएट टारगेट निकल के आता है वो निकल के आता है अराउंड 431 रुपीज। तो इसको डेली कैंडल में आप कर लेते हैं, देखिए आज ही आज में ये 8% बढ़ा। कल हमने शॉर्ट में डाला भी था स्टॉक के बारे में, 330-329 रुपए के भाव पे आसपास था उस समय, और आज में ही इसने एक ब्रेकआउट दिया कंफर्मेशन अच्छा दोबारा से। तो देखिए अभी भी इसमें हल्का सा कोई अगर कंसोलिडेशन आता है कि मार्केट में गिरावट होती है जिसकी वजह से नीचे आता है, तो एक बहुत ही अच्छा कैंडिडेट होएगा। और ऊपर में हमने बात करी कि ये अब यहाँ से अभी भी ये 20% रिटर्न देने का रखता है, क्योंकि 12 साल का इसमें ब्रेकआउट हो रहा है जो हमने देखा, और एक बार ये 430 रुपए को ब्रेकआउट करेगा तो उसके बाद फिर ये एक और आगे रैली जाने की कोशिश करेगा अगर मार्केट ने सपोर्ट किया, क्योंकि इसका जो लाइफ टाइम हाई था वही 644 रुपीज था फेब 10 में। तो अगर देखा जाए तो 12-14 साल में स्टॉक ने रिटर्न नहीं दिया इन्वेस्टर्स को, अगर कोई लॉन्ग टर्म से इन्वेस्टेड था स्टॉक में तो रिटर्न नहीं दिया है। तो अब ये जरूर अपना ब्रेकआउट दे, क्योंकि इसने कंफर्मेशन दिया 12 साल का, तो ये एक नई रैली की तरफ जरूर मूव करेगा। तो
430 रुपए मेजर टारगेट में हम दिखेंगे, और नीचे में हमने देखा ही कि नीचे में मेजर सपोर्ट क्या हुआ हमारा, जहां से इसने ब्रेकआउट दिया 323 रुपीज। तो 323 रुपीज एक इमीडिएट सपोर्ट, और ऊपर में 430 एक टारगेट के लिए स्टॉक नजर आता है आने वाले कुछ महीनों में। तो उसके बाद हम इसको दोबारा वैलिडेट करेंगे। और दोस्तों अगर आपने चैनल अभी भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि ऐसे वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सके और उससे कुछ आप भी सीख सके और हम भी सीख सके। थैंक यू।